हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग कड़ी। एग कड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बनाते टाइम ही बताऊंगी। पहले मैंने पानी गरम कर लिया है, पानी गरम हो रहा है और इसमें अब हम एग डाल देंगे। और ये नमक, नमक हम क्यों डालते हैं? नमक हम एग बॉयल करते टाइम इसलिए डालते हैं ताकि जो एग है वो उछले ना। तो चलिए एग को पहले हम बॉईल कर लेते हैं करीब 15 मिनट तक। हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपके एग में इस तरह से क्रैक आ जाएगा तो आप समझ जाएगा कि आपका एग बॉईल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एग को बॉईल करें एंड आगे की प्रोसेस देखते हैं इसमें क्या करना है। इससे पहले तो हम इसके छिलके से अलग कर लेंगे। एग कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना है? सबसे पहले हमें पहले एक कढ़ाई जो हम लेंगे उसको गर्म कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे और ये ऑयल हम डाल रहे हैं एग को फ्राई करने के लिए। ये हमारा पहला स्टेप है, पहले एग को हम फ्राई करेंगे। एग फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल देंगे। अब हम इसमें ऑयल थोड़ा सा और डाल देंगे आगे के प्रोसेस के लिए। ऑयल हमारा गरम है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से नरम हो जाने देंगे, इसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाने देंगे। प्याज में कलर आने लगे हैं, यू कैन सी पिंक कलर। और हमें बहुत पूरी तरह से भी नहीं करना है। मैं इसमें क्या करने वाली हूँ ये अभी आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालना सरप्राइज बिल्कुल नहीं था गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। टमाटर डालना है तो नमक तो डालना ही पड़ेगा, सो जाए टमाटर जल्दी जल्दी हो जाए। टमाटर भी जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब इसे इंडक्शन या गैस जिस पे भी आप बना रहे हैं उसको बंद कर लीजिए। अब इस मसाले को क्या करना है, मिक्सर में पीस लेना है। तरह से मसाले को पीस लेंगे। मैंने बीच में पानी डाला था, इस तरह से मसाले तैयार हो जाएंगे। मसाले मतलब वो मसाले नहीं, बस प्याज और टमाटर की धोई। पहले हम इसमें जरा सा ऑयल डालेंगे, दो तेज पत्ता, हींग, लहसुन, टमाटर और
और प्याज की चोरी जो हमने पीस लिया था। बाकी का भी डाल देंगे, इसमें मैंने पानी डाल दिया था जो बाकी के बचे हुए थे। अब इसे अच्छी तरह से पक जाने देंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल न छोड़ने लगे। इसमें नमक भी डाल देंगे, नमक उतना ही डालें जितनी जरूरत हो, क्योंकि हमने मसाले में भी डाला है जब हम प्याज और टमाटर पीस रहे थे मिक्सर में, तभी हमने नमक डाला था, तो उस हिसाब से नमक डालेंगे। अभी हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हम देख सकते हैं कि तेल दिखने लगा है। ये देखिए जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये तेल है। इसमें अब हम धनिया पाउडर डाल देंगे। मीट मसाला, ये मेरा चॉइस है, आप कोई और मसाला डालना चाहें तो प्लीज मत डालना, क्योंकि इस बार मेरी पसंद का बनाकर देखो, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मसाले को भी पकना बहुत जरूरी है, तो मैंने इसमें पानी डाला है। तो सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स, ये जो मैंने एग को बॉयल किया था और इसे मैंने फ्राई किया था, उसमें से एक जो एग है मैंने उसे अच्छी तरह से कचुंबर बना लिया है, और इस कचुंबर को हम इसी टाइम डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपका एक तो ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें अच्छी तरह से एग का जो टेस्ट है ना घुल जाएगा। एक बार ऐसा जरूर बनाना एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी खुशबू अभी से बहुत अच्छी आने लगी है दोस्तों। हल्का सा और पानी डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से पकने लेते हैं। जब तक ये पक रहा है, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको आगे की भी नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाले ना अच्छी तरह से पक गए हैं, ये देखिए। हम इसमें जो एग है ना वो डाल देंगे। अगर आपको और भी ग्रेवी चाहिए तो पानी डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपको ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो अब इसे लीड से कवर कर लेंगे। करीब 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है, 5 मिनट हो चुका है। वाव, बनकर हो चुका है तैयार। अब हम इसमें ऊपर से धनिया डालेंगे, हरा धनिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया हुआ एग कड़ी। थैंक यू, बाय बाय।